एपिसोड 970, ध्रुव का अंतिम फैसला। बच्चे बंजारन के सम्मोहन में पूरी तरीके से आ चुके थे। बंजारन ने उन बच्चों से कहा, जाकर सामने मूर्ति के पास बैठ जाओ। वो सभी बच्चे उसकी बात मानकर जाकर मूर्ति के पास बैठ गए। बंजारन बोली, तुम सभी बच्चे मासूम हो ना? उन सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ। बंजारन आगे बोली, तुम्हारी आत्मा पवित्र है ना? उन बच्चों ने कहा, हाँ। बंजारन ने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ साथ दोहराना है। कहो, मैं अपनी पवित्र आत्मा और अपनी प्राण ऊर्जा को शैतान के हवाले करता हूं। शैतान हमारी प्राण ऊर्जा से अपना कार्य सिद्ध करे। बच्चों ने ठीक वैसे ही दोहराया जैसे बंजारन ने कहा। बंजारन आगे बोली, तुम सबको यही बैठे बैठे यही चीज दोहरानी है, तब तक जब तक कि मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूं। वो बच्चे उसकी बात मानकर वही वाली लाइन दोहराने लगे। बंजारन ने अपना काम खत्म किया ही था कि माई ने वहां आकर कहा, इनका काम तो शुरू हो गया, लेकिन ध्रुव के उस दोस्त का क्या सोचा है? तुमने कहा था कि वो सही समय आने पर हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। बंजारन बोली, बस कुछ देर की बात है, उसके बाद देखना, मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित होगा। क्या तुमने उन अकायों का इंतजाम कर लिया है? माई ने कहा, हाँ हाँ, उनका इंतजाम हो गया है। आसपास हमारी जितनी भी समर्थक हैं, जिन्होंने भी शैतान को अपना आराध्य माना है, उन सब तक ये खबर फैला दी गई है कि आने वाला समय शैतान का होगा और उसमें वो सब अपना योगदान देने पहुंच गए हैं। बंजारन के होठों पर तीखी मुस्कुराहट आ गई। एक तरफ जहां बंजारन अपने काम की तैयारी को पूरी तरीके से कर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ घर पर तारा, रूप, तरुण सब छलावा को अपनी अपनी बातें समझा रहे थे। इन सब से दूर अनन्या खिड़की के पास बैठी कुछ लिख रही थी। तारा की नजर जब अनन्या पर पड़ी तो उसने कहा, क्या कर रही हो तुम? क्या लिख रही हो? हम लोग छलावा को भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तुम नहीं आओगी? अनन्या बोली, हाँ बस आती हूँ। इतना कहकर वो फिर से लिखने लगी। कुछ देर के बाद अनन्या जिस डायरी में लिख रही थी उसके पेज को फाड़कर और फोल्ड करके उठकर छलावा के पास आई और बोली, तो तुम तैयार हो? छलावा ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अनन्या बोली, तुम सब ध्रुव की ताकत हो, मैं जानती हूँ समय चाहे कितना भी बदल जाए, तुम लोग कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। अनन्या की बातें उसके दोस्तों को अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी छलावा उसकी बात को समझने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल, हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और बस एक बार ये परेशानी खत्म हो जाए फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अनन्या ने कहा, हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक वादा चाहिए। छलावा ने कहा, वादा? कैसा वादा? तारा ने भी पूछा, क्या हो गया अनन्या, इस वक्त तुम किस वादे की बात कर रही हो? अनन्या मुस्कुरा कर बोली, तुम लोगों को मुझसे ये वादा करना होगा कि हम में से कोई कहीं भी चला जाए, मेरा मतलब है किसी की गैर मौजूदगी में भी किसी की जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नहीं रही तो ध्रुव की जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, उसमें तुम लोग उसका साथ दोगे। ये सुनकर तारा थोड़ी सी सीरियस होकर बोली, अनन्या तुम ठीक तो हो? अनन्या ने एकदम से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, मैं तो थोड़ा सा सबको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, एक्चुअली इन सब में हम इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है ना कि मुझे लगा कि थोड़ा सा तुम लोगों के साथ मस्ती की जाए। अनन्या का ये बर्ताव सबको अजीब लग रहा था, सब बस उसे देखकर रह गए। तारा ने अनन्या को गौर से देखकर अपने मन में कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जबरदस्ती हंस रही है, जबरदस्ती बोल रही है, आखिर बात क्या है, ये बहुत परेशान लग रही है। तारा ने इतना सोचा, लेकिन उस वक्त इतना समय नहीं था कि इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा जाए। धीरे धीरे दिन खत्म होने लगा था और शाम की शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यास्त से पहले ही छलावा उस चट्टान के पास जंगल में छिप गया था और बंजारन का इंतजार कर रहा था। छलावा को वहां खड़े खड़े काफी समय बीत चुका था। उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में कोई अंदर से रेंग रहा था और उसका दिमाग भी बिल्कुल सुन्न लग रहा था। उसका गला सूख रहा था, हाथ पांव कांप रहे थे। छलावा ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए कहा, आखिर ये हो क्या रहा है मुझे, मेरा मन बहुत बेचैन लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। तभी उसे लगा कि वहां कुछ लोग आ रहे थे, तो छलावा चुपचाप देखने लगा और उसने पाया कि कई सारे काले लिबास वाले लोग एक लाइन से आ रहे थे और उनके बगल से बच्चे भी
उसी तरीके से काले वस्त्र पहने एक लाइन से आगे बढ़ रहे थे। छलावा ने उन्हें देखते हुए कहा, बच्चे तो यहाँ हैं लेकिन विक्की कहाँ है? ये कहकर छलावा चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, लेकिन उसको विक्की कहीं नजर नहीं आया। छलावा का मन किसी आशंका से भर रहा था। उसने अपने मन में कहा, नहीं छलावा, तू ऐसा नहीं सोच सकता। विक्की को कुछ नहीं हो सकता। ध्रुव का विश्वास है कि विक्की ठीक है। मुझे फिलहाल इन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छलावा ने अपनी आंखों को बंद किया और तरुण से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। जल्द ही वो तरुण तक पहुंच गया और बोला, तरुण बस कुछ देर के लिए तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ का मौसम थोड़ा सा बदलना होगा। मुझे इन बच्चों में शामिल होना है लेकिन कोई सही तरीका नहीं लग रहा। तरुण ने कहा, बस मैं अभी आया। इतना कहकर कुछ ही सेकंड के बाद तरुण छलावा के पास खड़ा था। तरुण ने जब अपने आगे देखा तो वो बोला, ये इतने सारे काले काले लिबास वाले लोग कौन है? क्या ये भी उन्हीं काली ताकतों में से है? छलावा ने कहा, उसकी सेना बहुत बड़ी है, तुम समय बर्बाद मत करो, यहाँ का मौसम बदलो। तरुण बोला, ठीक है। तरुण ने तुरंत ही अपनी छड़ी घुमाई और वहां का मौसम बदलने लगा। देखते ही देखते वहां तेज आंधी तूफान चलने लगा। बच्चों का खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे और वहां अफरा तफरी सी मच रही थी। उसी पल छलावा ने तुरंत एक बच्चे का रूप लिया, ठीक उसी तरह काले लिबास भी पहन लिए और जल्दी से जाकर उन बच्चों के बीच में घुस गया। जैसे ही छलावा उन बच्चों के बीच में गया, तरुण वहां से चला गया और उसके जाते ही मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। उन सभी काले लिबास वाले लोगों ने बच्चों को एक घेरे में बिठाया और उनके पीछे एक एक औरतों को लाकर बिठा दिया। उन औरतों ने काली साड़ी पहन रखी थी और उनके चेहरे पर भी सफेद पाउडर जैसा लगा हुआ था, जैसे कि बंजारन के चेहरे पर था, और उनके माथे पर बड़ी सी काली बिंदी थी। वो दिखने में ही बड़ी खतरनाक लग रही थी। छलावा तिरछी नजरों से सबको ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। तभी छलावा की नजर अपने सामने बैठे बच्चे पर गई जो बिल्कुल सुनने लग रहा था। ना वो अपनी पलके झपका रहा था और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरीके का कोई भाव था। छलावा बोला, इन बच्चों को अपने काबू में किया गया है। वहां पर बंजारन माई या रीति में से किसी का अता पता नहीं था। वहां बस बच्चे और अकाया औरतें थी जो बच्चों के पीछे बैठी हुई थी। अब वो अचानक से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और छटपटाने लगी। उन्हें इस तरह देखकर छलावा को समझ में नहीं आया कि आखिर इन्हें हो क्या गया। तभी वहां बंजारन, रीटी और माई के साथ आ गई। बंजारन की खूंखार आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है? ये इस तरह से क्यों कर रही हैं? अभी समय नहीं आया है, रोको इन्हें। उन्होंने कितनी भी कोशिश की लेकिन ये औरतें रुकी नहीं। बंजारन बोली, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। रीटी ने अपने पंख फैलाए और वहां से उड़ गया। कुछ ऊपर जाने के बाद उसे लगा जैसे कि कोई शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। रीटी धम से जमीन पर आ गया। बंजारन बोली, क्या हुआ? जाओ मालूम करो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ तो है जो हमारे आसपास हमें रोक रहा है। रीटी ने कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इतना कहकर रीटी ने अपनी आंखों को बंद किया और कसकर अपने पैर को जमीन में मारा और ऊपर उड़ गया। और इस बार वो उड़ता हुआ वहां से गायब हो गया। एक तरफ जहां बंजारन को कुछ रोक रहा था, वहीं दूसरी तरफ भंवरी देवी की गुफा में ध्रुव अभी भी एक पैर पर खड़ा था और उसके आसपास जो रोशनी उठ रही थी वो बढ़ती बढ़ती इतनी तेज हो गई कि साधारण इंसान आंखों से देख नहीं सकता था। ध्रुव धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतरने लगा और उसके पैर नीचे पड़ गए। जैसे ही ध्रुव के दोनों पैर नीचे जमीन पर पड़े, वो रोशनी गायब होकर ध्रुव में समा गई। लेकिन ध्रुव में अभी भी एक अलग सा तेज नजर आ रहा था। ध्रुव पालती देकर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाया, जिससे वहां पर आग का एक गोला बनने लगा और वो आग का गोला बहुत ही तेजी के साथ दहकने लगा। तभी वहां तारा रूप तरुण और अनन्या पहुंच गए। तरुण ने कहा, तुम तैयार हो ध्रुव? छलावा ने अपनी जगह ले ली है। ध्रुव ने हां में सिर हिलाया और बोला, अनन्या तुम यहां से चली जाओ। अनन्या ने पूछा, लेकिन क्यों? ध्रुव बोला, क्योंकि यहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे तुम सह नहीं पाओगी। अनन्या के साथ साथ बाकी सब भी ध्रुव के कहने का मतलब समझ चुके थे। अनन्या ने हां में सिर हिलाया और उल्टे पांव वहां से निकली। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, उसकी नजर एक विशाल पक्षी पर पड़ी जो गुफा के बाहर खड़ा था। उसे देखते ही अनन्या उसकी तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि अनन्या उस तक पहुंच पाती, वो वहां से उड़कर जा चुका था। वो रीटी था। रीटी ने समझ लिया था कि यहां क्या चल रहा था और ध्रुव की शक्तियां लौट आई थी। अनन्या गुस्से में बौखलाती हुई बोली, ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ध्रुव को बताना होगा। अनन्या जैसे ही ध्रुव की तरफ बढ़ी, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पूरी शक्ति के साथ पीछे धकेल दिया हो। अनन्या आगे नहीं बढ़ पाई। अनन्या चीखी,
ध्रुव ध्रुव, रीति ने जान लिया है कि तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई हैं और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी करना होगा। लेकिन ध्रुव तक ना तो अनन्या की आवाज पहुंच रही थी और ना ही लाख कोशिशों के बाद भी अनन्या उस तक पहुंच पा रही थी। रीति वहां से सीधा बंजारन के पास पहुंचा और बौखलाता हुआ गरजता हुआ बोला, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बंजारन ने कहा, क्या हुआ? रीति ने कहा, यहां पर जो तुम्हें शक्ति महसूस हो रही है, जो हमें रोक रही है, और इन अकायों के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये सब ध्रुव की वजह से हुआ है। ध्रुव की शक्तियां लौट आई हुई हैं और वो हमें काबू में करने के लिए महावशीकरण की शुरुआत कर चुका है। ऐसा लगता है कि वो सब पहले से जानता था कि हम आज क्या करने वाले हैं। ये सुनकर बंजारन ने खौफनाक अंदाज में कहा, अगर ऐसा है तो हम उस अशुभ नक्षत्र का इंतजार नहीं करेंगे, हम अभी इसी वक्त अपना कार्य शुरू करेंगे। माई ने बंजारन को रोकते हुए कहा, रुक जाओ बंजारन, ये बेवकूफी मत करना। तुम जानती हो कि इस वक्त वो असर नहीं दिखाएगा। इन बच्चों की ऊर्जा जो चमत्कार उस मुहूर्त में दिखाएगी, वो इस वक्त संभव नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ कुछ ना आए। बंजारन ने कहा, चाहे जो हो जाए, हमारा काम बने या ना बने, इन बच्चों की मौत से उस ध्रुव को सबक जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर बंजारन ने उन बच्चों को एक एक करके उठाया और एक तरफ ले जाकर खड़ा करके उनके सामने खुद खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों को आगे किया और ऊपर देखती हुई बोली, शैतान प्रसन्न हो, शैतान का राज कायम रहे। इतना कहकर वो जोर जोर से कांपने लगी और उसके हाथ से नीली नीली रोशनी उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। तब तक माई रीटी के नजदीक आई और बोली, उसके दोस्त को ले जाओ और उसे उस ध्रुव के सामने मौत के मुंह में खड़ा कर दो और उससे कहो कि अगर वो नहीं रुका तो उसका दोस्त भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। रीटी को माई की बात समझ में आ गई थी। वो तुरंत वहां से एक बार फिर उड़ चुका था। कुछ ही देर के बाद भंवरी देवी की गुफा के बाहर एक भयंकर दहाड़ने की आवाज आई जो अंदर तक सबको हिला गई। एक सेकंड को तो ध्रुव भी रुक गया और उसने अपने दोस्तों को इशारा किया। सब बाहर भागते हुए आए तो उन्होंने देखा अनन्या थर थर कांप रही थी और एक विशाल पक्षी जैसा दिखने वाला रीटी विकी को अपने हाथ में लिए नीचे खाई में लटकाते हुए आसमान में उड़ रहा था और दहाड़ते हुए बोला, जाकर कह दो ध्रुव को, अगर वो नहीं रुका तो उसके दोस्त की मौत यहीं इसी वक्त हो जाएगी। ये देखकर तारा रोती हुई बोली, नहीं ऐसा मत करना, उसे छोड़ दो, तुम मुझे पकड़ लो लेकिन उसे छोड़ दो, ऐसा मत करो। लेकिन रीटी खूंखार जानवर की तरह दहाड़ता रहा। तारा भागती हुई गई और ध्रुव से बोली, ध्रुव 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 कुछ करो, विकी को मार देगा, वो कह रहा है अगर तुम नहीं रुके तो विकी। ध्रुव ने तारा की तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उसकी नजरों से तारा को घबराहट हुई क्योंकि उसकी नजरों में कोई भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, उसे जाकर कह दो अगर एक विकी के बदले पूरी पाली और पूरी मानव जाति इनसे मुक्ति पाती है तो मुझे ये मंजूर है। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी नजरें फेर ली। शायद उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल में किया था। ये सुनकर तारा तो जैसे बुद्ध बन गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये ध्रुव ने कहा था। तभी ध्रुव चीखते हुए बोला, जाओ तारा, जाकर कह दो